राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और गाइस, बहुत मेहनत करी है 3 दिन, और उसके बाद गार्डन का जो समर लुक्स है वो निकल के आया है। विंटर्स में, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं विंटर्स में टेरेस पे नहीं आती हूँ, और तो बहुत सारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट 3 दिन हो गए हैं मुझे, जो मैंने इनमें धीरे धीरे इनकी रिक्वायरमेंट को दूर किया है। खाद भी दिए, सीज़न बहुत अच्छा है, ग्रोइंग सीज़न है। इस सीज़न में आप सभी लास्ट फरवरी से लास्ट मार्च तक आप अपने प्लांट्स की मरम्मत कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी है। तो इस तरीके से मैंने अपने जितने भी, पहले तो आपको बताती हूँ, मैंने जितने भी मेरे स्टैंड थे सबको मैंने पेंट कर दिया है। ये देखिए, वाइट रंग का पेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने किया है। साल में 2 बार जिन भी गार्डनर्स के पास में लोहे के स्टैंड है, मुझे लगता है अगर आप इनकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो साल में 2 बार इनको पेंट करें, एक बरसात जाने के बाद और एक विंटर्स ख़त्म होने के बाद। तो मैंने, जैसे कि विंटर्स ख़त्म हो चुके हैं, जो एक आधी विंटर्स में बरसात वगैरह होती है उसका सारा टॉर्चर झेल के हमारे स्टैंड थोड़े से बदरंग हो जाते हैं, तो इनमें जंग ना लगे, इसलिए मैंने इनमें सब में पेंट किया। और जितने भी मेरे प्लांट्स थे सर्दी की मार झेल रहे थे, उनको ठीक करा है जो ठीक करने लायक थे, और उनको खाद वगैरह, ये मौसम भी खाद देने के लिए काफ़ी अच्छा है। और कुछ जैसे कि एरिका पाम, इनकी कटिंग कर दी है मैंने, और मुझे इन छोटे प्लांटर्स थे मैंने उनमें से इनको कन्वर्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा मन है, कुछ प्लांट्स मेरे यहाँ हैं जैसे लेडी पाम और एक आधे पाम और हैं, उनको सबको चाह रही हूँ मैं इस तरीके की बकेट में लगाना। उन पर इनकी जो हाइट है वो अच्छी निकल के आएगी और काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये हो गया गाइज मेरा इस साइड का गार्डन, जो मैंने फ़िलहाल इस तरीके से बनाया है। स्पेस काफ़ी अच्छी निकल के आई है। आप सब ज़रूर बताइएगा मुझे आपको ये स्पेस कैसी लगी। और ऊपर मैंने रॉड वेल्डिंग कराई है, और उनमें कुछ मैंने कुंडे भी अटैच कराए हैं जो बास्केट टांगने के काम आएंगे। तो सारे मैं चारों तरफ से आपको अपने इस गार्डन का लुक्स दिखा रही हूँ कि आप लोगों को मेरी ये गार्डन का लुक कैसा लगा। पिछली बार मैंने बरसात में अपने गार्डन का लुक चेंज किया था और आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। इस बार मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं दूसरी साइड, दिखाती हूँ मैं, पहले तो इधर ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस साइड का है, ये मैंने एंट्रेंस बना रखा है यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, आपको किस साइड का लुक ज़्यादा बेहतर लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अब आ जाते हैं इधर। ये अभी मैंने काफ़ी सारे पॉट आपको खाली खाली नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग कर दी है। ये सीज़न अच्छा होता है तो बड़े बड़े हो गए थे, उनको मैंने प्रूनिंग कर दी है, और इस तरीके से सारे प्लांट्स मैंने यहाँ लगा दिए। ये देखिए, तो कुछ प्लांट अभी मेरे राइट साइड रखे हुए हैं जिनको मैंने अभी पेंडिंग है काम मेरा, उनको भी अभी ठीक करना है, तो धीरे धीरे 3 दिन में मैं इतना ही कर पाई हूँ। ये देखिए, तो आपको मेरा दोनों साइड का गार्डन कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जिन भाई बहनों ने अपने गार्डन की कंप्लीट कर दिया है, करते रहते हैं, उनके लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, बट जिन लोग, जो लोग मेरी तरह हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं अपने गार्डन को, उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि ग्रोइंग पीरियड है प्लांट्स का। अपने जितने भी प्लांट्स हैं जिनकी ब्रूनिंग करनी है, ब्रूनिंग कर दें। जिनमें खाद पानी देना है उनको दे दें। इस सीज़न में अगर ब्रूनिंग करते हैं, मैंने मेरे यहाँ पर सदाबहार के विंका जो हैं, इंग्लिश विंका हैं, तकरीबन 8 प्लांट हैं, उनकी भी मैंने ब्रूनिंग कर दी है। अब उसमें छोटी छोटी बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई है, कुछ में फूल भी आ रहे हैं पर उनका साइज़ अभी छोटा है। तो आपके पास भी कुछ पुराने प्लांट हैं तो उनकी ब्रूनिंग करें, फ्लावर्स प्लांट की मैंने कर दी है, अभी 1 मंथ लगेगा। जिन भी प्लांट्स पे मैंने काम किया है,
उन पे अभी एक मंथ लगेगा निकल के आने में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरीके से मैंने इतना सारा काम अकेले कर लिया, थैंक गॉड। 3 दिन बाद, कल मेरे यहाँ गार्डन में ज़मीन पे पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, आज तो बहुत सारा स्पेस दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये उस साइड का गार्डन है और ये इस साइड का है। थोड़ा सा लुक चेंज करना है, बट अभी जब तक नेट नहीं आती है, नेट आने के बाद ही मैं कुछ करूँगी। अब जैसा है वैसा ही आप लोग इसको देखें और मुझे बताएं मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई है या नहीं। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे गार्डन को एंजॉय करें, ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।